Ready, start, go! मैटर यह कि अगर मुझे पहले ही बता दिया होता तो मैं खुशी खुशी आता। वैसे भी सुबह मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी। हेलो गाइस, शुरू होने से पहले सब लोग अपना फेसबुक स्टेटस अपडेट कर लेना, क्योंकि बाद में टाइप करने के लिए हाथ नहीं रहेंगे और चलने के लिए पैर नहीं रहेंगे। भंगार में बेचने वाली बाइक से तुम मुझे रेसर आएगा? सेंटीमेंट में जान देने वाला खानदान है हमारा। मेरे पापा की बाइक पर अगर एक भी स्क्रैच पड़ा ना तो तुम लोगों की बॉडी पर स्क्रैचेस नजर आएंगे। शकल क्या देख रहे हो मेरी? इसे और इसकी बाइक को तोड़कर तराजू में डाल दो। आशीर्वाद दो माँ। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक्स। ख्याल रखना। पापा। अरे इस बार तो अच्छे मार्क्स लेकर पास हो जा, हमारी इज्जत तो बचा। ओवर एक्टिंग मत करो, पापा को पता चल जाएगा। क्या सुबह सुबह भाषण शुरू कर दिया। कल इसने पूरी रात पढ़ाई की है, इस बार ये सिर्फ पास ही नहीं होगा, रैंक लेके आएगा। रैंक देख लेना तुम। इसका रैंक अन और प्याज का भाव कम होना एक ही बात है। छोड़ यार, तेरी माँ कुछ भी बोलती रहती है, मुझे तुझ पे भरोसा है, उस पे ध्यान मत दे। चल चल अब जल्दी आ जा, जल्दी का टाइम नहीं है। क्या यार, ये दोनों तो अपनी मर्जी से बेटिंग लगा रहे हैं, मैं क्या इन दोनों को रेसिंग का घोड़ा दिखता हूँ? इस बार मैंने तेरे लिए तेरी माँ से शर्त लगाई है। इस बार तुझे मैन ऑफ द मैच की नहीं, मैन ऑफ द सीरीज की ट्रॉफी मिलनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए पापा, इस बार मेरा मार्क्स कार्ड कोहली के रन रेट की तरह होगा। आपका बेटा हूँ मैं। सच बोल रहा है ना? क्या पापा, गुड लक। थैंक यू। हाँ, काम खत्म हुआ ना? तुम आ गई? सुन ले क्या रे? नमस्ते बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। क्या लेके आई हो, क्या बनाया है आज? वही दाल चावल सब्जी रोटी, इतने साल से बस वही खाना। कभी तो कुछ बदल दिया करो। हेलो। हेलो, मैं प्रिंसिपल रामाशंकर बोल रहा हूँ। सर नमस्ते। सर हाँ बोलिए सर। हाँ नमस्ते। आजकल आपका बेटा क्या कर रहा है, कुछ खबर है आपको? सर टेस्ट तो छोड़ो, एटलीस्ट फाइनल एग्जाम में तो आना चाहिए था ना। ऐसे नालायक स्टूडेंट के लिए हमारे कॉलेज में कोई जगह नहीं है। सर मेरी बात तो सुनी सर। बाय।
क्या कह रहे थे वो? अगर तुझे बता दूंगा तो तेरा ये हार्ट फेल हो जाएगा। इसका मतलब इस बार भी वो एग्जाम देने नहीं गया। ये सब आपके प्यार का नतीजा है। बाप ठीक रहेगा तो ही बेटा ठीक रहेगा ना। पता है, मैं उसे आज कॉलेज के गेट तक छोड़ के आया था, फिर वो कहाँ चला गया होगा? तुम बाप बेटे के बीच में चिट्ठी पत्री चलती रहती है ना, देखिए जेब में कोई चिट्ठी रखी होगी। अरे हाँ, इस जेब में देखिए, कुछ तो मिला है। पढ़ो। आपने मुझे ये सिखाया था कि आपको जो पसंद है उसे मेहनत करके हासिल करना चाहिए, इसीलिए मैं अपने लाइफ टाइम ड्रीम को चेज करने जा रहा हूँ। बस पापा मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद मांगा है। आने के बाद आपको बाकी डिटेल्स बताता हूँ, बाय। अब ये क्या है, कहाँ चला गया होगा वो? अरे कोई इम्पोर्टेंट काम होगा, दो दिन में वापस आ जाएगा ना। एग्जाम से भी कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है? ऐसा कौन सा काम हो सकता है जी? ए, मर्दों को बाहर हजारों काम होते हैं, वो सब तुम्हें क्यों बताएं? खाना लेके आई हो ना, चलो खाना परोसो। मुझे मेरे बेटे पे पूरा भरोसा है, वो कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। हाँ सही कहा, वैसे भी तुम बाप बेटे दोनों एक जैसे ही हो और मैं अकेली हूँ। अकेली रहोगी, अब जाओ। गो। सर ट्रेन करेक्ट टाइम पर छूटेगी ना? हाँ भाई, ये ट्रेन हमेशा करेक्ट टाइम पे ही छूटती है। ओके सर। अच्छा सुनो, जाओ और जाकर सीट नंबर 37 पे बैठो। ठीक है अंकल, कारवार एक्सप्रेस यही है क्या? हाँ भाई यही है। अरे बाप रे, क्या हुआ? ओह गॉड, साइड प्लीज। एक्सक्यूज मी। यस एंथोनी, जल्दी आजा, 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 आते। अब पकड़ो, अब पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो। हाँ, थैंक यू माय डियर मुन्ना भाई, MBBS। कमाल करता है यार, तुझे टाइमिंग सेंस नहीं है। एक्सक्यूज मी? टाइम सेंस के बारे में मुझे मत बताना। जैसे क्रिकेट में कैप्टनशिप के लिए महेंद्र सिंह धोनी को, उसी तरह जैसे आमर अकबर एंथोनी। ओह, तो फिर लेट क्यों हो गया? वो क्या है, साउंड पोल्यूशन कम करने के लिए अलार्म ऑफ कर दिया था, इसीलिए टाइम पे उठ नहीं पाया यार। हे भगवान, मैंने तेरे से कैसा दोस्त मांगा था और तूने कैसे कैसे दोस्त मिलवा दिए मुझसे। चिंता क्यों करते हो, वहाँ देखो। चिल्ला रही थी, ये क्या लोकल बस है जो रुक जाती? हेलो मैडम, हमारा ये लड़का कितने सालों से पुल टॉक की तरह इंतजार कर रहा था कि कब कोई आएगा। सडनली आपने एंट्री ली और इसने शाहरुख खान की तरह आपको अंदर ले लिया। कम से कम थैंक्स तो बोलिए, मेरा मतलब धन्यवाद। अपनी कृतज्ञता दिखाइए, सामने वाले का एहसान मानिए, या जो भी भाषा आपको आती है आप आभार व्यक्त कीजिए। बहरी है क्या? जिसे जानता है उसे कोई थैंक्स कहता है क्या? तुम इसे जानते हो? हम दोनों हाई स्कूल से ही क्लासमेट्स हैं। इतने सालों तक कहाँ चली गई थी धनलक्ष्मी? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। एक्सक्यूज मी, सॉरी, एक्सक्यूज मी। तुम कंबाइन क्लास कौन सी रेंज में कर रहे हो, ये उस लड़की के बात करने से पता चल रहा है। मुन्ना, देखने में तो वो मॉडर्न मोनालिसा जैसी दिखती है, लेकिन उसका नाम ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा जैसा क्यों है? उस ब्लैक एंड व्हाइट हीरोइन के पीछे कलरफुल फ्लैशबैक है। 10 साल पहले मेरा एक दोस्त विवेक इसे डीप लव करता था। मैं, विवेक और धनलक्ष्मी एक ही स्कूल में पढ़ते थे। विवेक स्कूल की हर लड़कियों को लव लेटर दिया करता था, सारी लड़कियां उसे रिजेक्ट करती थी, बाकी बची धनलक्ष्मी। मुन्ना, मैं धनलक्ष्मी से प्यार करता हूँ, तू मेरी हेल्प कर दे प्लीज। यार वो आ रही है। हाय मुन्ना। हाय धनलक्ष्मी। हाँ।
हाय धनलक्ष्मी, गेट लॉस्ट, चल अब क्लास में चलते हैं। मुन्ना, धनलक्ष्मी को ये रोज तुम पास कर दोगे क्या प्लीज? मुन्ना, मैंने अपने पापा की जेब से 25 रुपए चुरा के फ्रेंडशिप डे के लिए मैंने ये की चेन खरीदी है, तुम मेरा नाम बोल के धनलक्ष्मी को दे दोगे क्या? हाँ। हैप्पी फ्रेंडशिप डे धनलक्ष्मी। थैंक यू मुन्ना। मेरे पॉकेट मनी से खर्च करके लाया हूँ, संभाल के रखना धनलक्ष्मी। सो स्वीट ऑफ यू। उस स्टूपिड विवेक से दोस्ती क्यों कर ली तुमने? धनलक्ष्मी ने की चेन ले ली। उस दिन स्कूल का लास्ट डे था, विवेक के लिए मैंने धनलक्ष्मी को प्रपोज किया। धनलक्ष्मी, विवेक तुमसे बहुत प्यार करता है। एक्चुअली विवेक लव्स यू वेरी मच। व्हाट यू फील अबाउट हिम? उस स्टूपिड विवेक को बता देना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मेरे लिए तो मेरी स्टडी और मेरी फैमिली ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुन्ना, ये जमीन गोल है। बचपन में जिस लड़की ने विवेक को रिजेक्ट कर दिया था, आफ्टर 6 ईयर वो लड़की भागती हुई अचानक ट्रेन के अंदर आ गई। तो अब उस लड़की को और विवेक को तुम्हें मिलाने की कोशिश करनी चाहिए। पहले ही रिजेक्ट कर दिया तो अब कैसे मानेगी? अरे क्यों नहीं मानेगी, वो विवेक को भाई क्या कर रहे, देख के जाना, पैर दबा दिया। क्या विवेक के पास दिमाग नहीं है, उसके पैर या हाथ नहीं है, या उसकी आंखें नहीं है, या उसके पास ये नहीं है वो नहीं है, क्या वो मर्द नहीं है क्या? स्वाति, जब भी तुम पार्लर में आती हो मेरा दिल धक धक करता है, सच कह रहा हूँ, प्लीज मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लो। देखो विवेक, प्यार जो होता है ना वो एक खूबसूरत फूल के जैसे होता है, उसकी खुशबू अपने आप फैलनी चाहिए। Let's be friends, no? Please? फोन करो उसे। इस वक्त फोन करूं? शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। लोहा जब गर्म होता है तभी उस पर वार करना चाहिए, जब डिस्काउंट होता है तभी खरीदारी करनी चाहिए। फोन मिला क्या? हाँ मिला। अभी कौन फोन कर रहा है? देखो ना। एक्सक्यूज मी। हाँ बोल। हेलो विवेक। अरे यार स्वाति भी मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अरे उसके लिए तू क्यों चिंता कर रहा है, तेरा पुराना अकाउंट रीओपन हो गया है। धनलक्ष्मी इज बैक। धनलक्ष्मी क्या, स्कूल वाली? मेरे साथ ट्रेन में ट्रेवल कर रही है वो। ऐसा क्या? अगर चाहे तो एंथोनी से पूछ ले, ये लो उसे बात कर। मैं बात करता हूँ। सुनो विवेक, मुन्ना ने मुझे सारी बातें बता दी हैं। सुन, 2G के टाइम में तेरा प्यार कनेक्ट नहीं हुआ था, 4G का टाइम चल रहा है, डाउनलोड करके दूंगा, चिंता मत करो। ऐसा दोस्त मिला है जरूर, मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य किए होंगे। थैंक यू सो मच। अरे यार इतना एक्साइट होने की जरूरत नहीं है मेरे इस काम के लिए, अगर कुछ दक्षिणा वगैरह। समझ गया एंथोनी, तू बस मुझे 5 मिनट दे दे, मैं तेरे अकाउंट में भी 5,000 रुपए डाल देता हूँ। सुपर। हे, तेरा दिल बहुत बड़ा है यार, तुम्हारा काम करके मुझे बहुत मजा आएगा। अकाउंट नंबर सेंड करता हूँ अभी। अच्छा सुन, एक काम कर, तू तैयार होकर के जल्दी से शादी के मंडप में पहुँच जा, हम लोग लड़की को लेकर सीधा वहीं पर आएंगे, देखते हैं आज तेरा काम कैसे नहीं होता है। एंथोनी, 5,000 रुपए नहीं 10,000 डाल रहा हूँ यार, 10,000। थैंक यू वेरी मच। धन लक्ष्मी, क्या फीलिंग है यार। स्वाति, तुम अपने पार्लर का बिल खुद ही पे कर देना। निकल ले बेटा। मुन्ना कान इधर लाओ। लेट्स स्टार्ट योर ऑपरेशन। ए, झाड़ को झुकाने के लिए डाली पकड़नी चाहिए, पानी लेने के लिए लोटा लेना। टाइमिंग नहीं है तो राइमिंग डायलॉग मत मार। अब क्या करना है, सीधे मैटर पे आ। मैटर सिर्फ इतना नहीं है, उस लड़की को पटाने के लिए उसके आजू बाजू के लड़कियों को ठिकाना है, लगाना है और जमाना है। आना हो तो आओ, नहीं तो मैं जाता हूं। ओ मेरी सतरंगी, लड़कियां इधर हैं। मुझे तो लगा ट्रेन मिस ही हो गई, कहां है, जा नहीं पा दी। अरे वहाँ नहीं है। लेट क्यों हुई? अरे ये दिखता है ना, जगह खाली है तो बैठना, फ्रेंडशिप के लिए कोई पूछता थोड़ी है। थैंक यू, मैं थोड़ी शिफ्ट हो जाती हूं। तेरे बगल में कितनी अच्छी लड़की है। हाय, बाय द वे, आई एम राधिका। आई एम मुन्ना। राधिका, क्रिस्ट वाली राधिका यार। शी इज रम्या। हेलो रम्या, कितनी सुंदर हो तुम। ये रचिता। ओह रचिता, सो ब्यूटीफुल। आई एम अमूल्य। अमूल्य, तुम्हारे गाल देखकर ही पता चल गया कि तुम अमूल्य ही होगी। अरे यार, फिल्म इंडस्ट्री की सारी हीरोइनें आज ट्रेन में ही सवारी कर रही हैं। किसी मॉल की ओपनिंग है क्या? व्हाट गर्ल्स, आप बहुत अच्छी बातें करते हैं। ओह थैंक यू। इधर आएगी। देखा, लड़कियां कितनी समझदार होती है, तुरंत समझ आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप हाथ नहीं देते तो हमारी धनलक्ष्मी की ट्रेन मिस हो जाती। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जो एटीट्यूड है वो आपके दोस्त में नहीं है। वन थैंक्स तो क्या, एटलीस्ट एक स्माइल भी तो नहीं दी।
एक स्माइल तो देनी चाहिए ना, ये तो मानवता है। गुस्सा होगी क्या? ऐसे मनाना बड़ा मुश्किल है। अरे यार, अरे सुनो, ये धनलक्ष्मी हाई हील पहन के रैंप वॉक करने वाली है, हमारे लिए बिल्कुल लक्ष्मी की तरह है। बैठा क्यों है? उसके पीछे जाओ जो। सॉरी। हेलो, क्या हो गया तुम्हें? जब देखो तब हमेशा अपना मुंह फेरती रहती हो, कोई प्रॉब्लम है? अगर मन में कोई बात है तो वो खुलकर कहो ना। अब देखो ना, इतने सालों में क्या क्या हो गया। सानिया मिर्जा की शादी हो गई, शाहरुख खान का तीसरा बच्चा पैदा हो गया, सचिन तेंदुलकर ने रिटायरमेंट भी ले ली, देश में इतना सब कुछ हो गया, लेकिन आप है कि वही साइलेंस, वही रिएक्शन। मैडम, लाइफ में थोड़ा सा अपडेट हो जाओ, कभी कभी स्माइल भी तो करती रहो, सेहत के लिए अच्छा रहता है। बिना बच्चे के हंसी को नॉनसेंस कहते हैं। टॉक टाइम खत्म हो गया था ऐसा सोचा था मैंने, लेकिन बड़ा दिल रख कर बात की तुमने। अमिताभ बच्चन की फिल्म देखकर जो खुशी मिलती है वैसी खुशी हो रही है मुझे। विवेक, बहुत मुसीबत में है तू। किसे ढूंढ रही हो तुम? फ्रेंड्स को। फ्रेंड्स को? उन लोगों को तो एंथोनी कब का लेकर चला गया होगा, अब तक तो अंताक्षरी शुरू भी हो गई होगी। वो छोड़ो धनलक्ष्मी, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। तुम क्या पूछने वाले हो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मेरा ओपिनियन चेंज नहीं होगा। अरे मैं वो नहीं पूछने वाला हूँ जो तुम सोच रही हो धनलक्ष्मी। जब हाई स्कूल में थी तब तो इतनी बुरी दिखती थी, लेकिन अब ये ग्लैमरस ब्यूटी कहाँ से बन गई? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर ब्यूटी एंड ग्लो? एलईडी बल्ब निकल लिया है क्या? वो क्या चॉकलेट है खाने के लिए? क्या स्माइल है यार। व्हाट इज दिस हियर? दिस इज अ रेस ट्रैक। Just wait and watch. Yeah. Actually, वहाँ से race start होगी. Mm-hmm. So the bikes goes up from here mm-hmm. and it has to be jumped through all the stages and then complete. इसे double jump कहते हैं. वैसे तुम क्या कर रही हो यहाँ? क्या तुम मुझे follow कर रहे हो? Follow? मैडम, मैं यहाँ race के लिए आया हूँ. Race के लिए? मतलब popcorn बेचने के लिए? Hello, hello. इतनी भी बेइज्जती मत करो. उसका नाम चरण है। लास्ट ईयर ही वाज अ रनर अप। डेफिनेटली ये रेस वही जीतेगा। तुम भी उसी की फैन हो क्या? सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ पर सभी उसी की फैंस हैं। तुम भी उसे सपोर्ट करो ना। सॉरी मैडम, चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती, वैसे ही सबकी तरह ये मुन्ना नहीं है। भाई मेरा सपोर्ट तो प्रोडक्ट को है, एडवर्टाइज को नहीं। बस बस बहुत हुआ, चलो। मुन्ना, शाबाश, बहुत बढ़िया चलाया। रेसिंग अच्छी कर लेते हो, पर ज्यादा खुश मत हो। ऐसे प्रैक्टिस करने वाले को मैंने बहुत देखा है, समझे ना बच्चे? अगर दम है तो कल रेस जीत के दिखा। बॉस, ताकत मेरा सरनेम है और चैलेंज मेरा ब्लड ग्रुप है, तो ये दोनों तो हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। सारी डिटेल्स निकाल ली है, धनलक्ष्मी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? ए चुप रहना, पिक्चर रिलीज होने से पहले स्टोरी लीक हो गई तो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। इस कैश काउंटर को मैं देख लूंगा, तू जाके ब्लैक टिकट को संभाल जा। जा अरे जाना, ये इसे पकड़। एंथोनी, तू मुझे गुड न्यूज देगा, मैं पहले से ही जानता था, इसीलिए मैंने तेरे अकाउंट में पूरे पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। वेरी गुड यार, यू डोंट वरी, व्हेन अमर अकबर एंथोनी इज हियर देन व्हाई यू फियर। थैंक यू एंथोनी, लव यू। भगवान ही बचाएगा। मैंने तुम्हें आने के लिए मना किया था ना,
क्यों हर बार आके मुझे डिस्टर्ब करती हो? मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आई, सपोर्ट करने आई हूँ। तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत नहीं है, यू आर बैड लक फॉर मी। धनलक्ष्मी क्या बात है, लक तो हमेशा तुम्हारे आस पास ही फिरता है, इंस्पिरेशन का केयर ऑफ एड्रेस हो तुम। ऐसे में तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड तुम्हें बैड लक क्यों कह रहा है? वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा भाई है। हाँ, तुम्हारा भाई है? तुम्हारे भाई में बहुत एटीट्यूड है यार, कोई भाई ऐसा होता है क्या? उसको ठीक कैसे करना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वोडका मिक्स क्या है, पी ले यार। मुझे नहीं चाहिए। हे मुन्ना, हाय। अरे यार एंथोनी, सुबह में इरिटेशन और अभी इनविटेशन। ये लड़कियाँ ऐसे ही होती है, डोसे के तवा जैसा, मसाला डोसा, प्लेन डोसा, रवा डोसा, चेंज होता ही रहता है। देखिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है विवेक के प्यार के लिए, अभी तू बिल्कुल कबूतर के जैसा है। चल शुरू हो जा। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? गुड, यू लुकिंग ग्रेट। ही इज ऑलवेज हैंडसम। तुम्हारे साथ ट्रेन में दूसरी तितलियाँ थी, वो कहाँ है? हाँ, वो वहाँ है। वाह, अच्छा। और क्या चल रहा है मुन्ना तुम्हारा? डिस्टेंस मेंटेन करके बात कर, मैं अभी आता हूँ। बाय बाय, थैंक यू। सॉरी मुन्ना। सॉरी फॉर व्हाट? तुम्हारे बारे में जानती नहीं थी इसलिए तुम्हें अंडरएस्टिमेट किया। एक्चुअली यू आर जस्ट अमेजिंग एंड यू आर सच अ वंडरफुल राइडर। तुम्हारा हम्बलनेस, सिंपलिसिटी मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू। हाँ, पर कुछ लोग होते हैं जो कि समझते हैं बस उन्हें ही राइडिंग आती है और अपनी एटीट्यूड में चूर रहते हैं। बट यू आर द बेस्ट मुन्ना। थैंक यू धनलक्ष्मी, तुमने अप्रिशिएट किया है तो ऐसा लग रहा है जैसे देवी माता ने मुझे फूल के रूप में प्रसाद दे दिया। धनलक्ष्मी, तुम्हारे इस सम्मान से और इस एक्साइटमेंट से सिर्फ मेरा ये दिल ही नहीं, बहुत कुछ भर भर कर आ रहा है। उसे मैं जाकर जरा खाली करके आता हूँ, तुम प्लीज यहाँ पर रुकना। हाँ सर, कुछ लोग चरण कह रहे हैं और कुछ लोग मुन्ना कह रहे हैं, आपके हिसाब से विनर कौन होगा? आई एम द विनर, चरण। ए मुन्ना, तेरा मेरा जो भी है वो रेस्ट ट्रैक में दिखाना, अगर मेरी बहन का पीछा किया तो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं नहीं पीछे घूम रहा हूँ बॉस, तुम्हारी बहन पीछे घूम रही है। ये जो कुछ भी बताना है वो मुझे नहीं, तुम्हारी बहन को बता दो। तू ज्यादा ही बोल रहा है, मैं रेस में राइडर हूँ, फैमिली की बात आई ना तो पक्का फाइटर हूँ। बॉस, तू ट्रेंड फाइटर है तो मैं बॉर्न फाइटर हूँ। तूने मेरे अंदर के गब्बर सिंह को जगाया है तो अब मैं तेरी बहन के साथ क्लोज होने का डिसाइड कर ही लेता हूँ। अगर रोक सके तो रोक ले, ऑल द बेस्ट। अरे अरे, क्या कर रहे हो यार, छोड़ो। धनलक्ष्मी, और कितना पिएगी यार, बस कर। तूने अब पीना भी सीख लिया है। हेलो मिस्टर चरण, ऐसा लुक मेरे पास नहीं चलेगा। तुम्हारी जीत के लिए भगवान से मन्नत मांगी और तुमने मुझे बैड लक कहा। अरे तुम हो बैड लक। ए, गेट लॉस्ट। भाई कहता है खुद को, तुम और भाई। एक्सक्यूज मी, अभी आता हूँ, मेरे बैंक मैनेजर का फोन है। हेलो एंथोनी, क्या अपडेट है? Hey विवेक, तेरा लव। ऐसा क्या? तुझे अपने दिल की बात बताऊं, तुम दोनों को एक ही मंडप में देखने की इच्छा हो रही है, मगर मगर तू 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 ना फाइनेंस की चिंता बिल्कुल मत कर, मैं हूँ ना एंथोनी, मुझे प्रोग्रेस चाहिए बस, मैं तेरे अकाउंट में 5 मिनट में और पैसे ट्रांसफर करता हूँ, रुक। वेरी गुड ट्रांसफर। विवेक, तू कितना महान प्रेमी है, ये बात मुझे आज समझ में आई है। ऑल द बेस्ट, अकाउंट में पैसे आ गए। बस कीजिए जी, लोग तो ऐसे ही हैं, मोबाइल फोन पर स्क्रैच ना हो इसलिए लोग स्क्रीन गार्ड लगवा लेते हैं, मगर एक दूसरे का दिल दुखाने से पहले वो आगे पीछे देखते भी नहीं है। तुम जैसी बहन मिलने के लिए तुम्हारे भाई को बहुत पुण्य करना चाहिए था। थैंक यू। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब छोड़ दो, अगर करंट चला जाए तो लोग कैंडल ढूंढने लगते हैं,
देखना तुम्हारा भाई तुम्हारे प्यार के लिए कभी ना कभी तो तुम्हारे पास जरूर आएगा। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। लाइफ एक टेंपल रन गेम की तरह है, बस भागते ही रहो। अगर वो छोड़कर एंग्री बर्ड की तरह गुस्सा होकर ड्यूएल होकर बैठ जाओ तो कैंडी क्रश बन जाओगे। अरे इस मैडम को मेरी फिलॉसफी सुनकर नींद आने लग गई। कनेक्शन दे रहा था और तूने ही कनेक्शन जोड़ लिया। एंथोनी एक बार देख तो इसे, इसकी खुशी देखकर तो वो ताला भी अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। हाँ। और मैं तो आफ्टर ऑल एक आदमी हूँ यार, तो मैं कैसे कंट्रोल करूँ। इसे देखकर तो वो सब होगा भी नहीं। देखा ना देखा ना, अब तू ही बता मैं कबूतर बन जाऊं या फिर इसका प्रेमी बन जाऊं। यार लेकिन मैं विवेक को क्या बताऊंगा। तो ज्यादा सोच मत। क्या है, कैंडी को हाथ से छीनना वो गलत होता है, लेकिन पेड़ में पके हुए आम को तोड़ना उसे तो कोई भी पत्थर मार के तोड़ सकता है। अब विवेक हाई स्कूल से ही पत्थर मार रहा, आम नहीं टूटा तो तेरी गलती थोड़ा है। भाई फिर भी ये दोस्ती में तो धोखा होगा। अरे जाने दे, उसके बारे में मत सोच। सुन, बादाम और काजू जैसे ही हाथ में मिले वो ऐसे ही उसे खा जाना चाहिए, उसे पीस कर खाने के लिए थोड़ा ही छोड़ना चाहिए। क्यों? अच्छा छोड़ ये सब बात। वो क्या है कि ठंड बहुत ज्यादा है, बॉर्डर मत क्रॉस कर जाना, ठीक है? होशियारी से हैं, मैं अपने रास्ते जाता हूँ, तू जरा इस लड़की को संभाल, ठीक है? सुनो, सो मत जाना, होशियार रहना। हेलो। रात भर जब तुम सोई थी तो मैंने बैठकर तुम्हारी देखभाल की है, कम से कम एक थैंक्स तो बोलकर जाओ। मेरा अपने भाई के साथ झगड़ा हुआ और यहाँ मैं तुम्हारे साथ क्लोज हो रही हूँ, तो तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ। यू आर रॉन्ग। लिसन, कुछ भी हो जाए वो मेरा भाई है, उसके लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा, कभी नहीं। थैंक्स। हेलो धनलक्ष्मी। ठीक है जाओ जाओ, रेस में देखना मैं क्या करता हूँ।
ये तुम्हारा भाई भी ना एक कप क्या जीत लिया, तो ऐसा बिल्टअप दे रहा है जैसे चैंपियनशिप जीत लिया हो। अच्छा सभी लैब पे तुम ही फर्स्ट थे, फिर लास्ट मिनट में क्या हो? फिनिशिंग लाइन में तुम खड़ी थी ना, इसलिए उसे फिनिश करना थोड़ा मुश्किल हो गया। बैड लक। बहुत गंदा है तू, बहुत गंदा। तूने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, हैं? अपना पेट खाली रख के मैंने तुम्हारी गाड़ी के टैंक में पेट्रोल फुल कराया है मैंने। एंथोनी, तू रोड में गया, तालाब में गिरा, कीचड़ में गिरा, तुझे धोकर साफ किया है मैंने। हाय। हाय मुन्ना। अब मैसूर जा रही थी, सोचा कि जाने से पहले तुम्हें बाय बोल दूं फिर चली जाऊं। इतनी जल्दी जा रही हो? हाँ मुन्ना, मुझे जाना ही पड़ेगा। एनीवे, यू टेक केयर। मैसूर ट्रेन से ही जा रही हो क्या? हाँ, पर क्यों? क्या यार, वही ट्रेन वही बोगी, बोर नहीं होती हो क्या? तो आप क्या मेरे लिए चॉपर मंगवाएंगे? चॉपर किस लिए? मेरी बुलेट है ना जो बिल्कुल रॉकेट जैसी भागती है, मेरे साथ चलो, तुम्हें सेफली पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है। सॉरी, ये सब सर्कस के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सेफली ट्रेन में ही चली जाऊंगी। जब तक है तब तक जॉली है, मरने के बाद सब खाली है, गांव में मौज और घर में एक फोटो, बस इतनी तो है लाइफ। सॉरी, नॉट इंटरेस्टेड। धनलक्ष्मी, एक बार सोच लेना, 400 किलोमीटर लॉन्ग ड्राइव, वो भी इस मुन्ना के साथ, फिर कभी ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। वाओ, इट्स सो एक्साइटिंग यार। कम ऑन यार। कल ट्रेन स्टेशन पे पहुंच जाएगी, उसके पहले मैं तुम्हें मैसूर पहुंचा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी। इतना क्या सोच रही है यार? ही सो स्वीट, मान जाना। मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तब तक मान जाओगी तो ठीक है, नहीं तो इस मुन्ना को और उसकी बाइक को तुम बहुत मिस करोगी। पर तुम्हें ही इतनी दूर बाइक चलानी पड़ेगी, मुझे नहीं आती बाइक चलानी। नहीं, चलेगा चलेगा, दैट्स ओके, मुझे बस 5 मिनट का वक्त दे दो, मैं अपने रिलेटिव्स को स्वीट्स देकर बाय बोलकर आ जाता हूँ। हाय बॉस, मैं तुम्हें यहाँ एक हैप्पी न्यूज़ बताने के लिए आया हूँ। एक्चुअली जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो मुंह मीठा करके बतानी चाहिए, अर्जेंटली मैं मिठाई ला नहीं पाया, सॉरी। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेवलपमेंट, तुम्हें मेरे पैर धोकर कन्यादान करने का दिन अब ज़्यादा दूर नहीं लगता। ठीक से सोच ले, घर जाकर अपनी बहन को प्रोटेक्ट करेगा या फिर इधर ही रहेगा, चॉइस इज योर्स। बार बार मुझे छेड़ रहा है तू, मेरे साथ बच्चे जैसा खेल खेल रहा है, ये तेरे लिए लास्ट वार्निंग है। बॉस, ये वार, ये वार्निंग ना मेरे लिए ना लव के लिए कोई बड़ी बात है, अरे हम तो पहले से बॉर्न फाइटर हैं, फाइट के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। चलता हूँ, see you soon. Wow, यहाँ क्यों बाइक रोक दी? इस स्वर्ग में एक नाइट स्टे हो जाए क्या? जोक मत करना, ये क्या तुम्हारे दादाजी का घर है? तुम्हें क्या करना है,
इस घर में रहने के लिए मैं इंतजाम करूंगा। हाँ? जरा अपना कान दो। What? No. अरे नहीं नहीं। बहुत बड़ा रिस्क है। तुम बस ओके कहो, बाकी मैं संभाल लूंगा। ओके ना? हाँ? कौन है? नहीं रात को। हेलो सर। कौन है आप? कौन हो तुम लोग? नमस्ते माँ जी। नमस्ते। नमस्ते सर। वो मेरा नाम मुन्ना है। वहाँ खड़ी है ना वो मेरी बीवी है। मेरा नाम कृष्ण कुमार है और ये मेरी बीवी है। उसने आपसे पूछा क्या? ये कौन है? सर वो ऑन द वे मैं मैसूर जा रहा था। हाँ तो फिर जाइए। अंधेरा हो गया। हाँ तो फिर बीच में बारिश भी आ गई। हाँ तो क्या करूँ? रहने के लिए कहीं आसपास लॉज भी नजर नहीं आ रहा। तो हम क्या कर सकते हैं? ऊपर से मेरी बीवी प्रेग्नेंट है सर। क्या बेटा तुम्हें कॉमन सेंस नहीं है क्या? कैसा लड़का है? बीवी को कोई उतनी दूर छोड़कर आता है क्या? वो भी इस हालत में कोई टू व्हीलर पे चलता है क्या? पहले उसे यहाँ लेकर आओ। जाओ लेकर आओ। ठीक है ठीक है। तुम अंदर जाओ, उनके रहने का इंतजाम करो, मैं लेकर आता हूँ। जाओ जाओ। हाँ ये हमारा ही घर है। आ जाओ आ जाओ अंदर आ जाओ आ जाओ। बहुत रात हो गई है लेकिन आ जाओ जाओ यहीं पे हॉल है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जो भी टैलेंट है वो वॉकिंग में दिखाओ, साउंड में मत दिखाओ। अब चलो। ए, भी होंगे। मुझे मत सिखा। बना देती खाने चलते रहो। क्या खाएंगे बेचारे? आ रहे हैं सर। हाँ आ जाओ बेटा आ जाओ आराम से बैठो। अभी सब ठीक है ना? अरे बेटा बैग इसे दो, इसे दो। हाँ सर। तुम समझ। सुबह घर के सामने कौवा काऊ काऊ कर रहा था। हाँ, हाँ, मैं तभी समझ गई थी कि कोई आने वाला है। देखा कितना सही। अच्छा, गेस्ट तो था ये मेरा। लोग ही गेस्ट हैं। लो बेटा तुम्हारे लिए नहीं है, इसके लिए है। थैंक यू आंटी। सो कितने महीने का है? पांचवा महीना। एक बार में दो जवाब। बीवी तो तेरी ही है ना? मेरी है सर। तो फिर किस बात की कन्फ्यूजन है भाई? हम दोनों से कुछ भी पूछ लो, एक ही जवाब देंगे। यू आस्क एनीथिंग अबाउट अस। हम दोनों पहले कब मिले, कब किस किया, कब शादी की डेट, सब कुछ जाने दीजिए ना। आपको इनकी पूरी हिस्ट्री जाननी है क्या? ऐसा नहीं है भगवान। वो क्या है, पति और पत्नी के बीच में केमिस्ट्री अच्छी रहे इसलिए हिस्ट्री याद रहनी चाहिए, है ना? है ना? है ना? अच्छा अभी शादी के कितने साल हुए? कोई एक साल हुआ। आर यू श्योर? बस सही यार, मैं तो सोच रहा था कि तू बहुत ड्राई है लेकिन तू तो रोमांस का मास्टर है यार। मास्टर। बायोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है सर। अच्छा बहुत सही यार। जी अब बातें बस कीजिए, पहले तुम दोनों जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं जाकर खाना लेकर। चलो जल्दी खाएंगे। अंकल इंक्वायरी बंद कीजिए ना। उसे इतना ही प्यार मिलता है, उनकी आंखों में सच्चाई होनी चाहिए। जोक्स अपार्ट। और क्या है बेटा जिंदगी में? तुमने वो गाना तो सुना होगा ना, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, तुझे पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। कितनी अच्छी लाइन है ना गाने की है। सुपर्ब अंकल, आपकी आवाज तो बहुत अच्छी है। वाह आंटी, आपने इतनी जल्दी इतनी वैरायटीज बना दी। वो क्या है बेटी कि झाड़ू मारो तो कचरा नहीं दिखना चाहिए और खाना खिलाओ तो भूखा नहीं रखना चाहिए। और वैसे भी तुम्हारी आंटी तो साक्षात अन्नपूर्णा देवी है। ऐसा नहीं है बेटी, रोज हम अकेले ही रहते हैं, खुद के लिए क्या स्पेशल बनाना। आज तुम लोग आए हो इसलिए स्पेशल बनाया है, खास तुम दोनों के लिए। दाल तड़का, ये स्पेशल सब्जी, वेजिटेबल सैलेड, ये प्रेग्नेंट औरतों के लिए बहुत अच्छा होता है। शर्माओ मत बेटी, इस समय तो तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए। वैसे भी ये ऑयली नहीं है, होटल के खाने की तरह, जितना मन करे उतना खा लो। खाने दो उसे। सुनो हर महीने बराबर चेकअप के लिए जाती हो ना? तुमसे ही पूछ रही हूँ। हाँ आंटी हाँ। देखो इस वक्त बहुत संभल कर रहना पड़ता है, वजन नहीं उठाना, जर्नी नहीं करना और किसी बात का स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना। सब मानोगे ना? ठीक है। इसे दो। ए, इसका अच्छी तरह से ख्याल रखना, जो भी इच्छा हो इसे ला कर देना, किसी भी चीज के लिए मना मत करना, ठीक है? अच्छा अच्छा सुनो सुनो। अरे उन दोनों को चैन से खाने दो, देखो जो बातें हैं वो बाद में कर लेंगे। आप जरा मुंह बंद रखेंगे, औरतों की तकलीफ वही समझ सकती है। आप चुपचाप खाना खाइए। ठीक है। तुम्हें और दो? नहीं नहीं अचार नहीं, अचार नहीं। अरे रे रे रे, मैं तो भूल गई, मैं जाकर ले आती हूँ। आराम से आना। गई क्या? बिना ब्रेक की गाड़ी है तुम्हारी आंटी।
अब तुम लोग आराम से खाओ, ये देखो बहुत टेस्टी बनाया है उसने। अंकल, लो। यही है ना सुखी संसार का रहस्य। सिर्फ मेरे लिए नहीं बेटा, यही यूनिवर्सल रूल है। आदमी औरत का मतलब एक रिमोट और दूसरा टेलीविजन की तरह होना चाहिए। एक को ऑपरेट करना है और दूसरे को डिस्प्ले होना है, तभी तो सच्चा एंटरटेनमेंट होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो संसार की गाड़ी सर्कस कंपनी बन जाएगी। सही कहा ना बेटी? अच्छा सुनो बेटा, कोई भी जरूरत हो तो बुला लेना, हम बगल वाले कमरे में ही हैं। संकोच बिल्कुल मत करना। लो बेटी गर्मा गर्म दूध। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट आंटी। गुड नाइट। दूध पियो ना बेचारे। हम दोनों ने उनसे बहुत झूठ बोला ना। आंटी को देखा कितनी इमोशनल हो गई है। जाने दो ना यार, लाइफ में मैंने कभी भी इतना बड़ा झूठ नहीं बोला। तुम्हारे साथ रहकर कितना झूठ बोलना पड़ रहा है। ओ हेलो मैडम, अगर झूठ नहीं बोला होता तो इतना अच्छा फ्री लॉजिंग मिलता क्या? और ऊपर से इतने अच्छे आंटी अंकल मिल गए, वो भी तो देखो ना। बात तो सही है, आंटी अंकल कितने वंडरफुल कपल है ना। अपने ही जैसे सुपर्ब जोड़ी। बस अच्छा ये बताओ, 3 महीनों बाद अपना भी जो बच्चा होगा ना, उसका क्या नाम रखेंगे हम लोग? हेलो एक्सक्यूज मी, इमेजिनेशन यार, उसके लिए इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? तुम्हें लड़का पसंद है या लड़की पसंद है? लड़का। लड़का, उसका नाम चिन्ना रखेंगे। मेरा नाम मुन्ना, उसका नाम चिन्ना, राइमिंग अच्छी रहेगी ना। सपोज लड़की हुई तो? तुम्हारा नाम धनलक्ष्मी है ना, तो बच्ची का नाम वरलक्ष्मी रखेंगे। हेलो देखो, नाम जो भी होने दो, हम हमारे बच्चों को हिंदी मीडियम स्कूल में ही पढ़ाएंगे। हाँ अब तुम ज्यादा ओवर कर रहे हो। सब लोग बच्चा पैदा होने से पहले स्वेटर बनाते हैं, लेकिन तुम तो स्कूल यूनिफॉर्म तक पहुंच गए। ये लो ग्लास, आई एम स्लीपिंग, गुड नाइट। क्या रे, मैं तुझे सुबह से फोन करूं, तेरा नंबर नॉट रिचेबल आ रहा था। माँ सिर्फ नंबर ही नहीं, तुम्हारा बेटा भी नॉट रिचेबल हो गया है। माँ क्यों रे, क्या हुआ तुझे? माँ लाइफ में फर्स्ट टाइम तुम्हारे बेटे को प्यार हो गया है। माँ प्यार, कितनी अच्छी गुड न्यूज दी तुमने, तुम्हारा मुंह मीठा करना चाहिए। कौन है वो लड़की, कैसी दिखती है वो? धनलक्ष्मी है माँ, तुमने दशहरे में मुझे एक जो डॉल दिलवाई थी ना, बिल्कुल वैसी दिखती है। मूनलाइट जैसा दिखने वाला उसका चेहरा, फ्लावर वॉश की तरह उसकी स्माइल, अगरबत्ती के धुएं की तरह उसके बाल, हाय बर्थडे कैंडल की तरह उसकी आंखें, चैन से वो छोटी बच्ची की तरह सोई है। उसे देखकर तो मैं ऐसा लग रहा है कि कोमा में चला जाऊंगा। माँ तू ये जो कुछ कह रहा है ना, उसे सुनकर मुझे लग रहा है मैं कोई रोमांटिक सॉन्ग सुन रही हूँ। ठीक है अब ज्यादा देर मत कर, जल्दी से उसे ले आ। आज के बाद मैं हेयर डाई लगाना छोड़ रही हूँ। वो क्यों? अरे मैं सास बनने वाली हूँ ना। ए तुम्हारे पापा आने वाले, मैं बाद में करती हूँ। ठीक है माँ, रखता हूँ। ए मुझे फोन करने की कोई जरूरत नहीं, तेरी मर्जी और तेरे पापा की मर्जी। ये लीजिए बात कीजिए। कौन है? शायद कट हुआ होगा। कट हो गया? हेलो। ए सारी पैकिंग हो गई। धनलक्ष्मी हम अचानक से मिले, एक दिन साथ रहे, फिर भी ऐसा लग रहा है कि हम कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है आंटी, यहाँ से मैसूर जाने के बाद भी मैं और मुन्ना आपको बहुत मिस करेंगे। इसे रख लो। ये सब क्यों आंटी?
पिछले 15 सालों से ये मेरे पास है। मेरा बच्चा होगा, उसे ये पहनाऊंगी, उसे लोरी सुनाकर सुलाऊंगी। लेकिन भगवान ने मेरे भाग्य में ऐसा नहीं लिखा था। पर शायद अब भगवान ने मेरा दर्द समझ लिया है, इसलिए ऐसे वक्त तुम्हें यहाँ भेजा। इसे तुम मेरे पोते को पहना देना। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर अंकल? है कि अरे बेटा अब बैठो 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 अच्छा अच्छा बैठो 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 हाँ अंकल। अरे सब बढ़िया अंकल, थैंक यू। व्हाट अबाउट, थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए। तुम दोनों ने आकर इस अंधेरे घर को चिराग की रोशनी से भर दिया बेटा। तुम्हारे जाने के बाद फिर सब कुछ खाली खाली हो जाएगा। आप ऐसे क्यों कह रहे हो अंकल? आपके जैसा टीवी, आंटी की जैसा रिमोट, जब तक रहेगा तब तक एंटरटेनमेंट की कोई कमी हो सकती है? हमारी बिल्ली हम ही को म्याओ है? लेकिन क्या कर सकते हैं बेटा, एक ही चैनल देखना पड़ता है, चैनल बदलने को तो मिलता नहीं है। जस्ट जोकिंग है, आंटी से मत बोलना। चलो, सो गेटिंग लेट, आराम से जाना, पहुंच के फोन करना। okay? मैं और तुम्हारी आंटी मैसूर आएंगे धनलक्ष्मी को अपने साथ लाने। धनलक्ष्मी को हम कुछ दिन यहाँ पे ला करके रखेंगे, तुम्हारी आंटी ने ऐसी जिद पकड़ी हुई है। टेक केयर, जल्दी ही मिलेंगे। ठीक है अंकल। अंकल, हम लोग भूले भटके आपके पास आए थे, लेकिन अब जाते वक्त आपकी ही यादें लेकर जा रहे हैं। क्या डेस्टिनी का मतलब यही होता है? आजा बेटा, रोते नहीं बेटा। May God with you. Thank you, अंकल। अच्छा अंकल, बिल्कुल सीधे ही जाना है ये रास्ता। यू टर्न लिया तो सीधा यहीं पे आ जाओगे। रास्ते में ठंडी है, इसे पहन लो बेटा। हाँ एक मिनट, कीप दिस चेंज बेटा। धनलक्ष्मी ठीक हो ना बेटा? आराम से बैठो, आराम से आराम से। अरे ये बैग इसे दे दो, ठीक से याद करो, कुछ भूला तो नहीं? कुछ भूला होगा तो बता देना, मैं लेकर आ जाऊंगा। ओके, आराम से जाना। ओके बेटा, आराम से गाड़ी चलाना। बाय 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 बेटा, बाय बाय। Excuse me, टीटी सर, ट्रेन कितनी देर में आने वाली है? अभी 5 मिनट में आएगी। पता नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ट्रेन 5 मिनट नहीं बल्कि 5 घंटा लेट होती तो और भी अच्छा होता। लेकिन क्यों? तब तक तुम मेरे साथ जो रहोगी, इसलिए। जब तुम मेरे साथ होती हो तो मेरा कॉन्फिडेंस बना रहता है, और तुम चली जाओगी तो ऐसा लगता है कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो भी चला जाएगा। मैं सच कह रहा हूं, अब तक मैंने इतनी स्पीड से बाइक चलाई थी, मुझे पहले इतना टेंशन नहीं हुआ था। लेकिन पता नहीं आज बाय हार्ट करने वाला लेसन हाई स्कूल टीचर के सामने बताने के लिए प्राइमरी स्टूडेंट की तरह मेरा दिल धक धक कर रहा है। वेदर कूल होने के बावजूद भी मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मेरा दिल एक्वेरियम से बाहर आने के लिए तड़पने वाली मछली की तरह बार बार धड़क रहा है।
हार्ट बीट नॉन स्टॉप बज रही हैं। अगर सिम्टम्स देखे जाएं, तो डेफिनेटली लव फीलिंग्स लग रही है। आई लव यू धनलक्ष्मी। आज भी वही बता रही हूँ, इस पूरी दुनिया में मेरे पेरेंट्स और फैमिली से बढ़कर ना तो कोई था और ना होगा, वही मेरे सब कुछ है। I'm really sorry, मुन्ना। धनलक्ष्मी, तू हम लोगों से पहले ही यहाँ पहुँच गई। हाँ, तेरा राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? Of course, अच्छा ही रहा होगा, इसलिए तो हमसे पहले ही यहाँ पहुँच गई। हाय, हेलो, हाय, देखो माँ ये। हेलो आंटी। हाय माँ। हाय। हाय बेटा। हाय माँ। रेस में तुम्हारे भैया जीते क्या? जी माँ। एट लास्ट मेरे बेटे की इच्छा पूरी हो गई, आज मैं बहुत खुश हूँ। आर यू हैप्पी? हाँ माँ। कम, लेट्स गो। रेस रेस कहकर अपनी जिंदगी खराब कर ली है। ये नेम फेम ये सब पतंग के जैसा है, जिस तरफ हवा चलेगी उसी तरफ उड़ेगी। जब जीतोगे तब लोग तालियां बजाएंगे, और जब हारोगे कोई भी साथ देने वाला नहीं होगा। देखो ये सब छोड़कर तुम बिजनेस पर ध्यान दो, मेरी भी हेल्प हो जाएगी। चैंपियन कप मेरे लाइफ टाइम का एम्बिशन है माँ, एक बार उसे जीत लेने दो, फिर आप जो कहोगी मैं करूंगा। जिंदगी में रिस्क लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन रिस्क को जिंदगी मत बनने दो। तुम अपने बाप के जैसे मत बनो, बी प्रैक्टिकल। बस माँ प्लीज, अगली बार उस आदमी का नाम मत लीजिएगा, मेरे लिए माँ बाप दोनों आप ही हो। मुझे बस एक चांस दे दो, मैं क्या हूँ ये मैं साबित कर दूंगा। रेस ट्रैक पर जो भी खड़ा होता है उसे ट्रैक और ट्रैक रिकॉर्ड के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता बेटा। इस रेस में तुम्हारी माँ ने जितना पाया है उससे कहीं कहीं ज्यादा खोया है बेटा। सर झुका के खड़ा, ऐसा क्या कर दिया तूने? अरे इस शहर में सिर्फ एक ही कॉलेज थोड़ी है, ज्यादा मत सोच, मैं उससे बड़े कॉलेज में एडमिशन करवाऊंगा तेरा। रेस का क्या हुआ? सेकंड प्लेस पापा। धत्ती, सेकंड प्लेस? सुन तू अपनी माँ को ये मत बताना कि तू सेकंड आया है, बोलना तू रेस में फर्स्ट आया है। ठीक है पापा। कम ऑन, चल आजा जल्दी। आज तेरी माँ का पारा चढ़ा हुआ है, जरा संभल के हैंडल करना। माँ। हाँ क्यों जी, आपने इसे अंदर क्यों बुलाया? बोल रहा है कि वो अगली बार ऐसी गलती नहीं करेगा, बोलो इसके साथ क्या करूं? सॉरी बोलना। माँ सॉरी। माँ अरे क्या कर रहा है, अंदर जाके सॉरी बोलना, चल जा। माँ प्लीज माँ, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। कैसी रही मेरी एक्टिंग? माँ हो तो तुम्हारे जैसी होनी चाहिए, तुम सच में महान एक्टर हो माँ। ये महान एक्टर है और मैं इससे भी महान एक्टर हूँ। ए, तुमने तो कहा था बहू को घर ला रहा हूँ, तो फिर अकेले क्यों आए? कुछ पूछ रही हूँ बोलो ना। ये देखो। तुमने बिल्कुल सही कहा था, जीन्स पैंट में भी बिल्कुल लक्ष्मी जैसी लग रही है। दूसरी फोटो दिखा। इस बार भी उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया।
बहुत ही सिंसियरली इसने ट्राई किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सही कहा ना मैंने? ए, नीट क्यों पी रहा है, पेट खराब हो जाएगा। लेकिन एक बात बता, लव में फेल तो मैं हुआ हूँ और मोहब्बत का दर्द भी मेरे सीने में हो रहा है, लेकिन तू क्यों इतना फील कर रहा है? हे, किसी को भी खुजाने दो, दर्द तो दर्द ही होता है ना, और चोट चोट ही होती है। ए, तेरा ये जो दोस्त है ना, मैं सच बोल रहा हूँ, तेरे सात जन्मों के कुकर्मों का नहीं नहीं पुण्य कर्मों का फल है। करेक्ट बोला मुन्ना, तू कितना अच्छा दोस्त भाई, तू इधर आ, तेरे कंधे पे सर रख कर रोने का दिल कर रहा है लेकिन मेरी आंखों में आंसू नहीं आ रहे यार। रियल मैटर पता चला तो आंखों से आंसू नहीं खून गिरेंगे। एंथनी, ये जो प्यार है ना, ये शमशान घाट की तरह है, या मोहब्बत की चिताओं में आग धधकती रहती है एंथनी। लेकिन क्या है, ये जो फ्रेंडशिप है ना, वो एक खूबसूरत गार्डन की तरह है, वह मेरी तरह, तेरी तरह और तेरी तरह भी रंग बिरंगे खूबसूरत ब्यूटीफुल फ्लावर खिलते हैं। ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ए, लाल बाग के फ्लावर को छोड़, अंकल जो क्वार्टर लेकर आए हैं उस पे कॉन्सेंट्रेट कर। हाँ वैसे अंकल आप तो बहुत कूल रहते हैं लेकिन आज आप कुछ लाल पीले दिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है? व्हाट इज द मैटर? तुम्हें बताओ कैसे कूल रहूं? दिल में मेरे आग लगी हुई है और तुम कह रहे हो कि कूल रहूं? मेरा बेटा हर रेस में हमेशा फर्स्ट आता था लेकिन इस बार वो सेकंड आया है, क्यों? आखिर इसकी वजह कौन हो सकता है? कौन है वो बेवकूफ? तू ही है। ए, बात सुन बेटा, सबसे पहले अपने इस मेंटल मैकेनिक को चेंज कर। अंकल बिजनेस में नंबर वन धीरू भाई अंबानी और सिंसियरिटी में काम के लिए हमारे बार एंथोनी, मेरे बारे में बताया आपको, आप ऐसे बोल देते हैं? चलो रेस की बात छोड़ो, एक बार दो पैग हो जाए या तीन पैग हो जाए उसके बाद मैं ये सब भूल जाया करता हूँ, लेकिन आज मैं पूरी बोतल लेके क्यों बैठा हूँ पता है? वो क्यों? लव मैटर है। अच्छा, तेरे बाप को इस उम्र में लव हो गया, क्या मैटर है अंकल? मेरा नहीं रे, इसका। मेरे दिल में आग ऐसे ही नहीं जल रही है, तभी तो दिल ठंडा कर रहा हूँ। अरे एंथोनी यार बोलना कुछ। लव में मैं फेल हुआ और अंकल इतना फील कर रहे हैं। अंकल आप टेंशन मत लीजिए, जो हुआ सो हुआ, मैं बिल्कुल फील नहीं कर रहा। अंकल आप क्यों इतना फील कर रहे हैं? कंट्रोल कीजिए अंकल, थोड़ा कंट्रोल कीजिए, पीजिए। कैसे कंट्रोल करूं? क्यों, मैं इंसान नहीं हूं क्या? मेरे दिल में भी धड़कन धड़कती है। सुन तेरे बाप को बहुत चढ़ गई है। अंकल आंटी बुला रही हैं, आप चाहिए? अब तक मैं सिर्फ यही सोचता रहा कि मेरा बेटा सिर्फ मुझसे ही क्लोज है लेकिन इसने बहुत बड़ी बात छुपाई। पापा वो सब अभी छोड़िए ना। ए, आखिर ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्यों डर लग रहा है? या तो प्यार मत करना और अगर प्यार कर लिया तो फिर कभी मत डरना। करेक्ट, प्यार किया तो डरना क्या? बात सुन, इससे पूछ के तेरी भाभी कब लेके आ रहा है? अच्छा भाभी कब लेके आ रहा? भाभी कौन? वही जिससे ये प्यार कर रहा है, जिसका बहुत ही प्यारा नाम है धनलक्ष्मी। धनलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, हाँ वही धनलक्ष्मी। अब जरा देखो इसकी हालत, नाम सुनते ही कितना खुश हो गई। अब जब तुम उस धनलक्ष्मी को मुझसे इस घर में मिलाने लेके आओगे तभी मैं तुम लोगों के साथ दोबारा यहाँ बैठ के पीऊंगा, तब तक मैं कुछ नहीं पीने वाला। उसे लेके आओ नहीं तो गुड बाय। तेरे बाप को तो क्या रे, इन्वेस्टमेंट मेरा और एडजस्टमेंट तेरा। सॉरी यार। अरे क्या सॉरी यार, तुझे विकेट कीपिंग के लिए बोला तो तू बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग सब कुछ करने लगा। ए, ये तो ऑलराउंडर था लेकिन उसने इसे भी तो रिजेक्ट कर दिया। उसने तुझे भी रिजेक्ट कर दिया क्या? सुपर। तुझे किस बात की इतनी खुशी हो रही है भाई? मैं अपने लव में पास नहीं हो पाने के इस दुख को ये लव में पास नहीं हुआ इस खुशी में भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। कमाल की फ्रेंडशिप है तुम दोनों की यार। एक बात बोलता हूँ सुन। बोल। टीले के पास जाओगे तो सांप मिलता है, लड़की के पीछे भागोगे तो मौत मिलेगी। करेक्ट। सांप काटने के बाद तुझे ये बात समझ में आई? अभी से नो लव सॉन्ग, ओनली फीलिंग सॉन्ग। आंटी हाँ मुझे पता है। आओ बेटी, धनलक्ष्मी हो ना? हाँ। मुन्ना ने सब कुछ बताया है। फोटो
फोटो से भी कहीं ज्यादा सुंदर हो तुम। ऐसा लग रहा है त्योहार के दिन जैसे साक्षात लक्ष्मी घर आई है। आओ बैठो, बैठो ना। कॉफी चाय कुछ लाऊं? अरे पहली बार तुम हमारे घर पर आई हो और मैं तुम्हें चाय कॉफी पूछ रही हूँ। अच्छा तुम्हें सेवई पसंद है क्या? अच्छा बनाती हूँ। नहीं आंटी, मैं खा कर आई हूँ। अच्छा ठीक है बेटी, इसे अपना ही घर समझना। मुन्ना अभी तक सोया है, मैं जाकर उसे उठाती हूँ। मुन्ना, ए मुन्ना, दरवाजा खोलना। मुन्ना, क्या आंटी? मुन्ना को उठा, उसे मिलने कोई आया है। सुबह सुबह वो डेढ़ फुटिया एंथनी तो नहीं आया है ना? इधर आ। अरे कौन है? देखो धनलक्ष्मी। उठ जा जल्दी उठ जा मुन्ना। अरे क्या हुआ यार? धनलक्ष्मी आई भाई। धनलक्ष्मी? देख तूने मुझे बोला था कि उसने तुझे रिजेक्ट किया है ना, और वो देख तेरे घर तक आ गई है। नहीं यार, जब धरती में पानी नहीं है तो बोरवेल में पानी कहाँ से आ गया? अरे माँ कसम मुझे नहीं पता यार। वो सब छोड़, देख वो अभी यहाँ पर आई है। देख यार आखिरी बार उस धनलक्ष्मी से मेरे लव मैटर की सेटिंग कर दे यार। एक छोटी सी हेल्प कर दे। क्या करूँ मैं? मेरी तरफ से एक छोटा सा एप्लीकेशन दे दे, लास्ट प्लीज कर दे यार। प्लीज कर यार। दे दोस्त है तू मेरा, कर दे यार। जाना जाना प्लीज जाना यार। ये क्या, तुम तो सुबह सुबह ब्रेकिंग न्यूज की तरह मेरे घर में आ गई। तुमसे कुछ बात करनी थी मुझे। अभी घर में बात करने के हालत में नहीं हूँ मैं, क्योंकि घर में सभी ने एक मिसाइल पकड़ रखा है। टेरेस पर चलते हैं। हाँ बैठो। मुन्ना मेरा भाई घर लौट आया, उसका कारण सिर्फ तुम हो। अगर वो रेस में हार जाता तो वो घर कभी नहीं आता। अरे मैं एक रेस क्या हार गया, तो तुम्हारी पूरी फैमिली इकट्ठा हो गई। मुन्ना यू आर ग्रेट। तुम्हारा एक ही भाई है ना? हाँ, पर क्यों? बच गया। तुम्हारे मम्मी पापा को तो थैंक्स कहना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी फैमिली को इकट्ठा करने के लिए मुझे कितनी रेस हारनी पड़ती थी क्या पता। तुम कभी सीरियसली बात नहीं करते? वो सब छोड़ो ना मैडम, सिर्फ थैंक्स कहने के लिए तुम मेरे घर तक चली आई, उसे तो फोन पर भी बता सकती थी ना। मैं तुम्हारे घर आई, तुम्हें कोई परेशानी है क्या? मैडम बारिश आएगी तो किसान भला क्यों परेशान होगा? मैं कुछ समझी नहीं। समझोगी तो कोई फायदा भी नहीं होगा। छोड़ो मैं कॉफी या टी लेके आता हूँ। आई लव यू मुन्ना। क्या तुम्हें याद है 10th स्टैंडर्ड हमारे स्कूल के प्लेग्राउंड में ये किचन तुमने मुझे दिया था? इसे तुमने अभी तक रखा है? यू आर माय फर्स्ट लव मुन्ना। धोखा दिया। हम फिर मिलेंगे ये कभी सोचा ही नहीं था। जब तुम्हें ट्रेन में देखा मैं बहुत खुश हुई थी। तो फिर तुमने मुझे इतना क्यों सताया? फैमिली प्रॉब्लम है? तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली जैसी है, चाहे जितनी भी मुसीबत रहने दो, तुम्हारी माँ को मेरी माँ समझाएगी और समझाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। छोड़ उसे, छोड़, छोड़। जरा इसे देखो कितनी खुश है आज। 3 साल बाद आज तुम घर आए हो, इसलिए पता है आज इसने अपने हाथों से तुम्हारी पसंद का सारा खाना बनाया है। इसने मेरी पसंद का खाना बनाया है तो क्या हुआ? ये जो करेगी उसे कैसे मान लूं? किसी अरे गरे के साथ दोस्ती करने से पहले हम क्या है, हमारा स्टेटस क्या है सोचना चाहिए, नहीं तो घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। ये मेरी बेटी है, घर की इज्जत पर आज भी आए ऐसा कोई काम नहीं करेगी। आपने इसे सर पे चढ़ा के रखा है, इसलिए ये उस आवारा के साथ घूम रही है। प्लीज माइंड योर टंग, किसी को जाने बिना ही उसके बारे में ऐसी बात मत करो। बेटी क्या है ये सब? माँ मैंने मुन्ना नाम है उस लड़के का जिसके साथ ये घूम रही है। आज के बाद आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब से इसकी जिम्मेदारी मैं खुद उठाऊंगा। देखो तुम उसके भाई हो, वो कोई गलती करती है तो उसे पूछने का हक है तुम्हें, लेकिन उसे हर्ट करने का हक तुम्हें नहीं है। एक बात समझ लो, आज के बाद मेरी बेटी से इस तरह कभी बात मत करना, अंडरस्टैंड?
देखा कैसे एक ही शॉट में डबल गोटी अंदर। सुपर पापा, निशाना लगाने में तो अर्जुन है आप। बेटा कैरम और रम दोनों मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं, ना वो मेरे बिना रह सकती हैं और ना मैं उनके बिना। किसका फोन है? मेरी गर्लफ्रेंड है पापा। अरे तो फोन उठा बात करना, गर्लफ्रेंड को ज्यादा वेट नहीं करवाना चाहिए। क्यों मैडम, इस वक्त क्यों याद किया मुझे? याद करने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी सर। क्या हुआ, वॉइस बहुत डर लग रही है तुम्हारी, क्या बात है? आज घर में मेरा और भाई का झगड़ा हुआ। सुबह तो तुमने कहा था कि मधुमक्खी की तरह एक हो गया है, अब मधुमक्खी के छत्ते पर किसी ने पत्थर मार दिया क्या? हम दोनों के प्यार के बारे में मेरे भाई को किसी ने बता दिया। और किसी ने नहीं मैडम, मैंने खुद ने ही बताया है। तुमने? इतनी जल्दी बताकर पब्लिसिटी करने की क्या जरूरत थी? अरे इतना डर क्यों रही हो तुम? तुम्हारा भाई कोई लायन है या टाइगर है क्या? चुपचाप उसे हम दोनों को आशीर्वाद देने के लिए बोल दो। उसके साथ झगड़ा किया और गुस्से में खाना भी नहीं खाया मैंने, बहुत भूख लगी है। गुस्सा है तो कोई खाना खाना छोड़ता है क्या? एक दिन भूखी रहने से मर थोड़ी ना जाऊंगी। सोने जा रही हूं, गुड नाइट। ए धनलक्ष्मी, हेलो हेलो। क्या हुआ बेटा, कोई टेंशन है क्या? आपकी बहू को भूख लगी है ऐसा कह रही है पापा। हां तो किसी होटल में फोन करना। पापा 12 बजे कौन सा होटल ओपन रहता है? अरे कोई होटल खुली मिले या ना मिले, लेकिन अम्मा कैंटीन तो खुली रहती है। क्या अम्मा कैंटीन? अभी उसके लिए खाना लाने मैं तमिलनाडु जाऊं क्या? मैं तमिलनाडु की अम्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी माँ को भूल गया? उससे पैक करवा। हेलो डार्लिंग, तुम्हारे घर के गार्डन में मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ। इस वक्त यहाँ क्यों आए तुम? अभी तुम बाहर आती हो या फिर मैं मेरे साले को उर्फ तुम्हारे भाई को मैं जोर से आवाज दूं? नहीं नहीं नहीं, मैं आती हूँ आती हूँ। ये सब क्या है? कैसा है स्पेशल मूनलाइट डिनर? जरा देखो तो, हमारा बॉस फैमिली के साथ आया है। अम्मास कैंटीन का स्पेशल डिनर, 2 चपाती, सांबार, पापड़, अचार एंड चटनी पूरी। मेन्यू तो बहुत ऑसम है, टेस्ट और भी बढ़िया रहेगा। चलो अब शुरू कर दो। वाओ, बॉयफ्रेंड इतना ख्याल रखता है, अगर पहले पता होता तो तुम्हें पहले ही बॉयफ्रेंड बना लेती। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था मैडम, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। तो यहाँ पे पापा, कल तक तो तू माल्या जैसा था, आज अचानक ही रांझा के राजकुमार जैसा कैसे बन गया? पापा वो तो फर्स्ट हाफ था, 6 स्विमिंग पूल, और ये सेकेंड हाफ है, बड़ा समुन्दर। अभी तो मेरे साथ धनलक्ष्मी भी है ना, तो अभी आप पर डिपेंड रहना गलत बात हो जाएगी, है ना? वेरी गुड। जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाने वाला प्यार में भी अच्छी तरह से जिम्मेदारी निभाता है। कि बेटा चलो चलो काम पे लग जाओ। ओए जरा पाना देना। क्यों रे एंथोनी, तेरा फ्रेंड रेस छोड़कर गैराज में काम करने लगा? देर से ही सही, इसे अपने काबिलियत का पता तो चला। अब क्या है, काबिलियत इंसान के अंदर 2 तरह की होती है, वो तेरे जुबान में है इसलिए तू ज्यादा बात कर रहा है, लेकिन अगर वो उसके दिल में है तो वो साइलेंट मोड पर है। उस दिन उसका मूड ठीक नहीं था इसलिए रेस में तुम्हारी जीत हो गई, नहीं तो तुम गाड़ी को न्यूट्रल मोड में करके वहीं पे दंड बैठक मारते रहते। सही कहा ना? अगर ऐसा है तो अभी कॉम्पिटिशन कर लेते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्या बोलते हो? क्यों रे, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है या जिगर में दम नहीं है? मुन्ना हम लोग अहिंसा को फॉलो करते हैं, लेकिन अगर कोई अहिंसा की बेइज्जती करे तो फिर उसे छोड़ते नहीं है। ये कैसी बाइक दिया रे इसको? क्या करो, ये जो है बिना टैग प्राइस का एंटीक पीस है। रेंट कैसा भी हो, डिमांड कम नहीं होती। रोड कैसी भी हो, बाइक की स्पीड हवाई जहाज से कम नहीं होती। ये हमारा अकबर एंथनी की तैयार की हुई बाइक है। किक मारी तो धूल उड़ेगी, गियर मारा तो हवा से बात करेगी। ओके घर की इज्जत और स्टेटस
इसके बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना? क्या यही है तुम्हारा स्टेटस? सॉरी माँ। थैंक यू सर। इट्स ओके। अरे कहाँ है मेरा बेटा? हे रेस तो तू नहीं जीती ना? हाँ। सुपर। अपनी आरएक्स बाइक ऐसी ही है पापा। हाथ मिला हाथ मिला हाथ मिला। तूने अपने खानदान की इज्जत बचा ली। सुपर सुपर। अरे सुनिए पहले यहाँ पर आइए। कैसा बाप बेटा है? सर बोलिए सर, कहाँ साइन करना है बता दीजिए, कर दूंगा। पहले से जेब में रखो। सॉरी सर सॉरी, अगर आप चाहें तो इसे एक हफ्ते और अंदर रख सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा बेटा रेस जीत गया ये मेरे लिए खुशी की बात है। ये पुलिस स्टेशन है, कोई धर्मशाला नहीं। कांस्टेबल निकालो इसे। सर चाहे तो रख सकते हैं। अरे भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, ले जाओ उसे। सर सुन मुन्ना, सर को सैल्यूट करना। चलता हूँ सर। जय हिंद। फिर मत आना, क्या आदमी है। अच्छा सुन, मैं जाकर बाइक छोड़ा के लाता हूँ, तू तब तक कहीं वेट करना। ठीक है पापा। माँ यही है आपकी बेटी की पसंद, सड़क छाप। देख लो कैसी है उसकी चॉइस। एवरी डे नॉट ए संडे। मेरी बहन और रेस दोनों ही मेरी हैं, कभी उन दोनों पे बुरी निगाह मत डालना। किसी का फेंका हुआ हमें उठाने की आदत नहीं है बॉस। जो चीज पसंद करते हैं उसे मेहनत से ही हासिल करते हैं। घर वालों को धोखा देकर भगाकर शादी करने वालों में से नहीं है हम। प्यार को प्यार से जीता जाए उसी को सच्चा प्यार कहते हैं। देखो जिससे भी मेरी बहन की शादी होगी वो सिर्फ उसे ही पसंद हो ये जरूरी नहीं है, मेरी माँ को पसंद होना चाहिए, मुझे पसंद आना चाहिए। तू अपनी बहन से जितना प्यार करता है उसकी मैं इज्जत करता हूँ। बोल तेरी माँ को पसंद आने के लिए मुझे क्या करना होगा? तुझ में अगर ताकत है तो तू चैंपियन कप जीत के दिखा, मैं खुद अपनी बहन का हाथ तेरे हाथ में दे दूंगा। मैं तेरे लिए नहीं तेरी बहन के लिए इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा, जीतने के लिए नहीं अपने प्यार को हासिल करने के लिए। क्यों अब क्या हुआ? पापा मुझसे ये नहीं होगा। इस कप का मतलब है ये कोई गली की रेस नहीं है, ये रेस इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होती है। फॉरेन से बड़े बड़े रेसर्स आते हैं पापा, प्रोफेशनल ट्रेनर्स उन लोगों को ट्रेन करते हैं। बाइक एंट्री फीस ट्रेनिंग उसके लिए 30-35 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं पापा। 35 लाख रुपए चाहिए? इस डिब्बे को खोल, कुछ आइडिया मिलेगा, देख ना खोल इसे। देखो मैं कुछ नहीं जानती, इन्हें बेचकर रेस में पार्टिसिपेट कर बस। ए, हटा हटा इन्हें, लेकर जा, चल जा। क्यों क्या हुआ? अरे हमारे खानदान जैसा कोई और खानदान नहीं है, जरूरत पड़े तो अपना सब कुछ बेच देंगे लेकिन स्वाभिमान नहीं बेचेंगे। हाँ हाँ जानती हूँ, पता है ना आपको कितने पैसे चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे? तो क्या इसके लिए तुम्हारे गहने बेच के इसे रेस में भेजूंगा? ये सिर्फ तुम्हारा बेटा है क्या? मेरा भी तो बेटा है, इसका सपना पूरा करने के लिए मैं अपने आप को भी बेचने को तैयार हूँ। आप दोनों जरा खामोश रहेंगे प्लीज। अब क्या हो गया? पूरे 3 साल बाद भैया आप घर वापस आए। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से वो फिर लौट जाए, मेरी फैमिली ही मेरी प्रायोरिटी है। मेरे प्यार से मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है तो मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए माँ। मुन्ना को मैं भूल जाऊंगी, अगर मुझसे गलती हुई हो तो आई एम रियली सॉरी। अपने बच्चों की आंखों में आंसू देख कर माँ को तकलीफ होती है। नमस्ते आंटी, आइए। माँ कौन आया है बेटा? माँ ये धनलक्ष्मी की माँ है। नमस्ते नमस्ते, अंदर आइए। आइए ना, आइए आइए, बैठिए, बैठो बेटा। हाँ माँ। आप भी बैठिए ना, टी कॉफी कुछ लाऊं आपके लिए? हाँ अब तक तो हमारा रिश्ता भी नहीं जुड़ा, अभी से इतनी सेवा कर रही हैं। सेवा करने के लिए रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं है, जो घर में आते हैं उनसे दिल से बात करके उनकी सेवा करने की शक्ति हमें भगवान ने दी है। क्या लेंगी आप? कुछ नहीं थैंक्स। मुन्ना। हाँ आंटी। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तुम बात करो बेटा। बोलिए आंटी। मुन्ना मेरा बेटा बहुत जिद्दी है,
जिंदगी में उसने जो चाहा उसे वो सब मिला है। जो चीज उसे नहीं मिलती वो उसे जबरदस्ती छीन कर ले लेता है। मगर मेरी बेटी, उसने आज तक कुछ नहीं मांगा और ना ही कोई डिमांड की। छोटी छोटी चीजों में जिंदगी भर अपनी खुशियां ढूंढती रही, लेकिन आज फॉर द फर्स्ट टाइम उसकी आंखों में मैंने किसी के लिए प्यार देखा है और वो तुम हो। यस मुन्ना, मैं धनलक्ष्मी की माँ होने के नाते तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। इस रेस में मेरा बेटा हारे मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन ये कॉम्पिटिशन जीत कर तुम मेरी बेटी को अपने साथ ले जाओ। मेरी बेटी तुम्हारे साथ रहेगी तो जिंदगी भर खुश रहेगी। तुम उसे हमेशा खुश रखोगे, ये भरोसा है मुझे। ऑल द बेस्ट मुन्ना, गॉड ब्लेस यू। इस कंपटीशन का मतलब वहां सिर्फ तुम्हारे भाई को हराना नहीं है, वहां पर बहुत सारे वेल ट्रेंड इंटरनेशनल रेसर्स आएंगे। एक प्रोफेशनल ट्रेनर की जरूरत पड़ेगी। हर एक प्रॉब्लम का सलूशन होता है मुन्ना। इतने शॉर्ट टाइम में तुम्हें ट्रेन करने के लिए ओनली वन मैन कैन डू इट, एंड दैट्स चंगप्पा। चंगप्पा, तुम मजाक कर रही हो क्या धनलक्ष्मी? वो कौन है पता है? ही इज द लेजेंड। बचपन से उनके वीडियोस देखकर बड़ा हुआ हूँ मैं, और कभी उनसे डायरेक्ट मुलाकात भी नहीं हुई। ये सब मुझसे नहीं होगा धनलक्ष्मी। देखो वो ट्रेन करे या ना करे, एक बार अप्रोच तो करके देखते है ना। मैंने उनके बारे में सारी रिसर्च कर ली है। वो पैसों के लिए ट्रेन नहीं करते। यहाँ का सब कुछ छोड़कर वो ऊटी चले गए हैं, अपनी ही दुनिया में जी रहे हैं। अब तक उन्होंने किसी को ट्रेन नहीं किया है। तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए अगर वो मान गए तो तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। प्लीज ट्राई मुन्ना, प्लीज। आई ट्राई माय बेस्ट। उनके हाथ पैर पकड़कर उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू। अरे बेटी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ अंकल। कोइंसिडेंस इसे ही कहते हैं। घर में अगर धन लक्ष्मी आई हो तो उसके पीछे पीछे लक्ष्मी आती ही है। ये ले 10 लाख रुपए हैं, इसमें अपनी एंट्री फीस भर दे। इतने पैसे कहाँ से अरेंज किए? किडनी बेच दी अपनी। क्या कहा? ए, तेरे पति ने भले ही पैसे ना कमाए हो, उसने दोस्ती बहुत कमाई है। अंकल, क्या हुआ? आपकी फ्रेंड लिस्ट में मेरा नाम नहीं है क्या? मुझे भूल गए क्या आप? मुन्ना, दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ में बैठकर पीना नहीं होता यार, जरूरत में साथ देना भी होता है। ये लीजिए अंकल। अरे लेने दे बेटा। विवेक, अंकल आपको लेना होगा, लीजिए ना। बेटी, पापा आपसे मिलने कोई आया है क्या? पापा, हाय सर। कौन हो तुम? सर मेरा नाम मुन्ना है और मैं मैसूर से आया हूँ सर। सर आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ योर सर। क्यों, ऑटोग्राफ चाहिए? नहीं सर, अभी मैं बात नहीं कर सकता, जाओ। सर मैं इस साल होने वाले रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो फिर यहाँ क्यों आया हूँ? देखो उस रेस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सर अगर आप मुझे ट्रेन कर देंगे तो मैं ये कप जरूर जीतूंगा। बाहर तुम्हें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का कहीं बोर्ड दिखा क्या? गेट लॉस्ट, दरवाजा बंद करो। देर खड़ा रहेगा, उसे यहां कुछ हासिल होने वाला नहीं है। यह एहसास होते ही वो यहां से चला जाएगा। हाँ
पापा सो गए हैं, तुम अंदर चलो। मैं नहीं आऊंगा। सिर्फ मत करो मुन्ना, प्लीज अंदर आओ। तुम हमेशा कहती हो ना कि मैं सीरियस नहीं हूँ। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं सीरियस हुआ हूँ, और चंगप्पा सर तुम्हारे पापा है ये जानकर तो मेरी सीरियसनेस और बढ़ गई है। गुरु के आशीर्वाद के बिना लक्ष्य नहीं मिल सकता। तुम्हारे पापा जैसे गुरु मिलने के लिए मैं एक दिन ही क्या और कई दिनों तक इंतजार कर सकता हूँ। तुम जाकर सो जाओ, जाओ सो जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। थैंक यू। क्या नाम बताया था तुमने? मुन्ना सर। देखो कप जीतने के लिए लक चाहिए, यू शुड बी लकी फॉर इट। इस घर के आसपास तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन अंदर आने के लिए नसीब और योग्यता होनी चाहिए। तुम ये कप क्यों जीतना चाहते हो? ये कप मेरी लाइफ है सर, अपने प्यार के लिए मुझे ये कप जीतना ही पड़ेगा। अगर मैं ये कप जीत गया तो मेरी गर्लफ्रेंड का भाई अपनी बहन का हाथ मेरे हाथ में देगा। रेस फॉर लव। लव में डिस्ट्रक्शन और लाइफ में दूसरा अटेंशन मत लेना। मेरा लव डाइवर्शन नहीं है सर, इंस्पिरेशन है। हेलो, डिटरमिनेशन एंड टैलेंट बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन। वो डिटरमिनेशन तो मेरे पास है सर, एक बार मुझे आजमा लीजिए सर, अगर मुझ में वो योग्यता दिखे तो ही मुझे ट्रेन कीजिए सर, प्लीज सर। बाइक को क्लीन करो। यस सर। तुम क्या कहती हो बेटी, उसे ट्रेन करूं या नहीं? आपकी मर्जी पापा, उसका और मेरा कोई संबंध नहीं है। जुनून तो उसके अंदर दिख रहा है, लेकिन टैलेंट कितना है ये देखना होगा। थैंक यू पापा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर आर एस सर। गटर में भला कोई तैर सकता है क्या? रास्ते हमेशा आसान नहीं होते। नाउ गो डाउन देयर। चाहे बाइक हो या साइकिल हो, राइडर के लिए ग्रिप बहुत जरूरी है। पहले साइकिल चलाना सीखो, उसके बाद बाइक देखेंगे। यू सी देयर, आई वांट ऑल दोस फ्लैग्स, गेट इट? यस सर। वो साइकिलिंग था या उछलना कूदना था? सपना बड़ा होता है तो रिस्क भी बड़ा होता है, ये बच्चों का खेल नहीं है। गो कंप्लीट योर टास्क, जाओ।
अरे किधर बज रहा है ये? हेलो मुन्ना, कैसा है तू? माँ बहुत थक जा रहा हूँ माँ, हाथ पैर बहुत दुख रहे हैं, बॉडी में एनर्जी ही नहीं बचती माँ। अरे वो चंगपा ट्रेनर है कि जेलर है? ट्रेनिंग के लिए जो भी जाता है उसे कैदी जैसे ट्रीट करता है क्या? उसके पास दिल नहीं है? उसे फोन दे उसे, अभी उसे बता। मुझे बात करने दे। देख मुन्ना, अपनी माँ की बात बिल्कुल मत सुनना। देख सुन, जब तक सोना तपता नहीं है आभूषण नहीं बनता है। संस्कार देने वाला गुरु जन्म देने वाली माँ से भी बड़ा होता है। हाँ। तेरे जैसे इंसान को अगर वो महान आदमी ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। वो जो भी बोले तुझे करना पड़ेगा, समझा क्या? हाँ समझ गया पापा। और हाँ सुन, उन्होंने अगर तुझ पे भरोसा किया है तो उसे तोड़ना मत, ठीक है? ठीक है पापा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। क्या जी, अपना बच्चा कितनी तकलीफ झेल रहा है, उसके हाथ पैर दुख रहे कह रहा था। तूने बर्तन धो लिए क्या? नहीं धोए। जाके धो। यहाँ दो बेटा, उस लवर बॉय को बुलाओ। ठीक है पापा। एक्सक्यूज मी, हेलो मिस्टर। देखिए मेरा एक नाम है और वो है मुन्ना। माथे पे लिख लो, सबको पता चलेगा। बोलो क्या बात है। चलो खाना खा लो। खाना? नेवर। हाई कमांड से जब तक ऑर्डर नहीं आती एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगा। पापा ने ही बुलाया। ऐसा क्या, क्या बनाया है आज? नॉर्थ इंडियन या साउथ इंडियन? ओह, तो तुम्हें मेन्यू बताऊं? ऑब्वियसली। फ्री की बिरयानी में भी पीस काउंट करते हैं तुम जैसे लोग। तुमने बहुत बार इडली खाई होगी, बट इतनी स्मूथ और टेस्टी कभी नहीं खाई होगी। ट्राई इट। कैसी लगी? सिर्फ टेस्ट ही नहीं सर, स्वादिष्ट है, बहुत मस्त है, मजा आ गया सर। तारीफ के हकदार मेरी बेटी है। थैंक यू मैडम। कुकिंग भी एक आर्ट है सर, ये बात मैं दिल से कह रहा हूँ। इसको खाने के बाद अब तो मेरा यकीन और बढ़ गया है। इसे दो इडली और दो। अरे अरे आराम से खाओ, आराम से। ऐसा लग रहा है जैसे काफी दिनों के बाद खाना नसीब हो रहा है। कूल डाउन। कोई फास्टेस्ट बाइक से विनर नहीं बनता है। विनर बनने के लिए जरूरी है कि तुमने कितनी प्रैक्टिस की और तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा है। हाँ हाँ एकदम एकदम। Yeah, these are the books. ये लो सर, सारे डिटेल्स पढ़ो। Someone my owns और थोड़े मेरे टीममेट्स ने लिखे हैं। ओके सर। सर आप इस तरह डेली पीते हैं, लीवर डैमेज नहीं होता है क्या? तुम लव कर रहे हो, हार्ट डैमेज नहीं हो रहा है? जिंदगी में हेल्दी रहने वाला खुशी से नहीं रहता, खुशी से रहने वाला हेल्दी नहीं रहता। सो 100 साल बोरिंग हेल्दी जीवन से अच्छा है 50 साल खुशी खुशी जिया जाए। अच्छा तुम उस लड़की से इतना प्यार करते हो, तुमने उसकी तस्वीर नहीं दिखाई। मोबाइल में फोटो तो होगी ना? हाँ है। दिखाओ। क्यों, पर्सनल बातें पूछ रहा हूं ना? ऐसा कुछ नहीं है सर। बेटी। हाँ पापा। ये जिससे प्यार करता है उसकी फोटो है, जरा बताओ तो कैसी है। कैसा शर्मा रहा है। बहुत ही अच्छी है पापा। वाओ, ऐसी लड़की को पाने के लिए कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। मेरी बेटी ने ओके कहा तो शी शुड बी परफेक्ट। तुम्हें मेहनत करनी होगी। खाना रेडी है पापा। फर्स्ट ड्रिंक है बेटी, प्लीज तुम जाओ जाकर खाना खाओ। ठीक है सर। प्लीज गो। एक्सक्यूज मी मिस, कैन आई गेट अ किस? हेलो, इस घर में खाना मिल रहा है वही बड़ी बात है, और तुम्हें किस भी चाहिए? एक मिनट मैं पापा से पूछती हूँ। पापा। सॉरी। Thank you.
दिस आर ओल्ड डेज। ए मुन्ना। सर। मुझे तो पुरानी बातें याद आ रही हैं। यू नो व्हाट इज दिस? क्या है सर? हमारे जमाने में यही सबसे बड़ा कप था, वेरी प्रेस्टिजियस। बहुत मेहनत करनी पड़ी थी मुझे। मैंने रेस में इसे लगातार जीता था, 3 times हैट्रिक चैंपियन। मुझे अच्छी तरह से याद है। धनलक्ष्मी की मां मधु इसी कप के बाद मुझे प्रपोज की थी। Within 6 months we got married. Life was beautiful. 2 बच्चे। You know love is blind, but marriage is a eye opener. Hey, उसी वक्त उसे पता नहीं क्या हुआ, वो बदल गई। उसके पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। जिस रेस के कारण वो मुझसे प्यार करती थी, उसी रेस के कारण मुझसे नफरत करने लगी। कहती थी इसमें फ्यूचर नहीं है, मेरे पापा का बिजनेस संभालो। रोज रोज यही बात कह के मेरा दिमाग खाती थी। हाउ कुड आई डू इट? रेसिंग इज माई पैशन। मैं इस ट्रैक के बिना, इस साउंड के बिना जी ही नहीं सकता हूं। इसीलिए मुझे चूज करना था, रेस या परिवार। एंड आई चूज दिस। पापा। हाँ, थैंक यू। मेरी बेटी यहां क्यों है यही सोच रहे हो ना? She is not a host here. She is my secret guest. ये अपनी माँ से छुप कर आई है मेरे पास, सिर्फ कुछ दिनों के लिए। रेस खत्म होते ही ये चली जाएगी और फिर मैं अकेला रह जाऊंगा। It's okay. पापा बस करो, दीजिए यहाँ। Please, 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 बेटी। ज्यादा तो बोतल में है, मेरे अंदर नहीं। प्लीज गो 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 गो। यार रिश्तों में तो झगड़ा, टेंशन, ये सब तो होते ही रहता है, बट पेन इज परमानेंट। वी शुड टेक केयर ऑफ दैट। पता नहीं क्यों आज मेरा दिल बहुत दुखने लगा, बहुत ही ज्यादा। लेकिन मैं अपने जैसा लवर बॉय देखना चाहता था इसी जगह पे। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, अभी इसी वक्त तुम जिसे प्यार करते हो उसे फोन करके आई लव यू बोलो। सर इस वक्त क्या जरूरत है सर, जाने दीजिए ना। इस वक्त प्यार करने वाले को तो वक्त नहीं देखना चाहिए। कॉलर 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 कॉलर। ठीक है सर। कम ऑन, जल्दी फोन करो। हेलो। मेरे सर ने कहा है कि मैं तुम्हें फोन करूं और आई लव यू कह दूं। आई लव यू। आई लव यू टू। गिव इट हियर, गिव इट हियर, गिव इट हियर, गिव इट हियर। हेलो। हाय बेबी, आई एम सो हैप्पी टू डेवलप दिस बॉय, वेरी पैशनेट बाइकर। और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, आई विल मेक हिम अ बिग एंड वंडरफुल रेसर। यू डोंट वरी, जस्ट लव हिम। ये बहुत अच्छा है, तुम मेरी बेटी जैसी हो। ऑल माई ब्लेसिंग्स यू। ओके हेलो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड गूंगी है क्या? वो क्या है ना, उसे शर्म थोड़ी ज्यादा आती है सर। जी हर गर्ल्स के जमाने में शर्माती है। यू आर लकी मैन। हेलो। हाँ ठीक है, बाद में फोन करता हूँ। ओके बाय। तुम्हारे प्यार की कहानी मेरी कहानी जैसी नहीं होनी चाहिए। जस्ट एंजॉय इट, सेलिब्रेट, लाइफ इज ब्यूटीफुल, कलरफुल। थैंक यू सर। चीयर्स। मैं बहुत लकी हूँ मुन्ना, सारी लड़कियों को तुम्हारे जैसा बॉयफ्रेंड नहीं मिलता। तुम हमेशा ही कहते हो ना, जो ठीक से नहीं चमकता वो असली सोना नहीं होता। ये बात 100% सच है। ये मुन्ना अगर सोना बना है तो तुम्हारे लिए धनलक्ष्मी। इस जोकर को सिंसियरिटी, सीरियसनेस सिखाई है तुम्हारे प्यार ने। मेरे मम्मी पापा ने और तुम्हारी माँ ने मुझ पर जो भरोसा किया है उसे मैं टूटने नहीं दूंगा धनलक्ष्मी, मैं वादा करता हूँ। रिजल्ट जो भी हो मुन्ना, मगर तुम मेरे लिए कितनी तकलीफें झेल रहे हो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी मुन्ना।
हेलो यंग मैन, दिस इज फॉर यू एंड थैंक यू सर। दिस लकी हेलमेट फॉर यू। ये रेस यहीं खत्म नहीं होती है बल्कि यहीं से शुरू होती है। यू आर अ सोल्जर। युद्ध रहे या ना रहे, सैनिक को हमेशा तैयार रहना चाहिए। यू सी आई कैन ओनली ट्रेन यू, आई कांट राइड द बाइक फॉर यू। हाँ, एक बात और याद रखना, समय का जो महत्व नहीं समझता उसके लिए जीत कोई मायने नहीं रखती। उसे कब, कहां और कैसे इस्तेमाल करना है ये मायने रखता है। एंड द स्पीड इज नॉट इन द स्पीडोमीटर, इट्स हियर। रेस में अचानक अगर बाइक गिर भी गई तो राइडर का कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए। गॉट इट? ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर हाँ, अगर मैं इस रेस में जीता तो मेरी एक इच्छा है सर, आप उसे मना मत कीजिएगा। क्या है वो? रेस जीतने के बाद बताऊंगा। मैं किसी रेस में नहीं जाता था लेकिन तुम्हारी रेस देखने जरूर आऊंगा। या यस सर। हेलो। हेलो अंकल। बेटा कैसा है? हाउ आर यू? हे बेटी कैसी है? मेरी गर्भवती बहू। आई एम रियली सॉरी अंकल। क्यों बेटा? अंकल हम दोनों की शादी हुई है, धनलक्ष्मी प्रेग्नेंट है, ये सारी बातें झूठ है अंकल। डॉक्टर बनने के बाद अभी 20 साल मेरी और सर्विस बाकी है। शक्ल देकर ही बता देता हूँ कि लड़की प्रेग्नेंट है या नहीं है। झूठ तुमने बोला था लेकिन मेरे बीवी के चेहरे पर जो खुशी थी वो बिल्कुल सच थी, वो झूठ नहीं था। सो डोंट बी गिल्ट एट ऑल, इट्स ओके। बच्चे कितनी भी बड़ी गलती करें माँ बाप को गुस्सा नहीं आता, यही उनका नेचर है। ओके अंकल, आज मेरी लाइफ की एक इम्पोर्टेंट रेस है, अगर मुझे रेस जीतनी है तो आपका आशीर्वाद चाहिए। मुन्ना, ट्रॉफी लेने के बाद ही मुझे फोन करना। यू हैव द फायर इन यू, ऑल द बेस्ट। ओके थैंक यू अंकल। इतने सालों से ये कप आपके नाम से ही चल रहा है लेकिन आप कभी नहीं आए। फॉर द फर्स्ट टाइम यू हैव कम टू दिस रेस, क्या आप बताएंगे इसकी वजह क्या है सर? मेरा ट्रेंड किया हुआ शिष्य मुन्ना इस रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसे ही सपोर्ट करने आया हूँ। लेकिन सर आपका खुद का बेटा भी इस रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है और आपने इस रेस के लिए दूसरे राइडर को ट्रेन किया है, सो इन दोनों में से कौन जीतेगा सर? सर जिसमें टैलेंट होगा वही जीतेगा, लेट द बेस्ट मैन विन। थैंक यू सर। पापा अच्छा सुन, ये सक्सेस पार्टी कहाँ रखनी है? एंथनी गैराज में रखनी है या फिर किसी बड़ी होटल में? क्या बात कर रहे हो पापा, बारिश आई नहीं है और आप अभी से खेत जोतने की बात कर रहे हो। hey, तू बेटा किसका है? मैं सारी तैयारी करूंगा, बारिश तुझे बुलानी होगी। पापा उतना ही नहीं, तेरी माँ जो है ना सुबह से जितने भी मंदिर मिले सब जगह प्रणाम करती हुई आ रही है। अब अगर ज्यादा कुछ गड़बड़ हुई ना तो तेरी माँ का हार्ट फेल हो जाएगा तो तुझे जीतना ही होगा। और सुन, इंडिया में आज तक किसी माँ की एप्लीकेशन किसी भगवान ने रिजेक्ट की है क्या? है? तो सब कुछ ठीक होगा। गुड लक। दिस इज नॉट अ जस्ट रेस, इट्स अ चैलेंज। आई हैव टू विन दिस रेस। डोंट वरी ब्रो, nobody can beat you, this is my best tuning ever. If something goes wrong, thank you sir, all the best. ab aap yahan aa gaye to meri himmat dugni ho gayi hai sir, go get ready. okay sir. sir aapka chela band kariye munna, ye race jeetega aur aapka naam roshan karega sir. excuse me sir. Hey Vivek, I'm good out. Hey,
इतने सालों तक इस बाइक, इस रेस के कारण मुझे सफलता तो मिली, लेकिन इसके बावजूद मैं अकेला रहा। आई मिस माई फैमिली। ट्रेनर का काम खत्म हुआ, अब मुझे मेरा परिवार, मेरी बीवी, मेरा बच्चा चाहिए, और उसके लिए इस रेस में मेरे बेटे को जीतना ही पड़ेगा। आई एम सॉरी मुन्ना। चीता चीता की तरह रेडी किया है सर इसे। एक राइड लेंगे सर? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, सब परफेक्ट है। ओके सर। मुन्ना टू विन पापा। ये क्या कर रही? इतने दिनों से मुन्ना जिस लड़की को पाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा था, वो लड़की मैं हूँ पापा। पापा, अगर आप उसे ट्रेन करेंगे तो वो जरूर जीतेगा, ये मुझे पता था, इसीलिए मैंने उसे आपके पास भेजा। मुन्ना ये रेस जीत जाए, ये सिर्फ मैं ही नहीं चाहती, माँ भी चाहती है। Speed is not in the speedometer, it's here. लेकिन ये कॉम्पिटिशन जीत कर तुम मेरी बेटी को अपने साथ ले जाओ। Come on, मुन्ना।
थैंक्स पापा। कांग्रेट्स। वाह मुन्ना। थैंक यू सर। ग्रेट जॉब। मैं जिंदगी में पहली बार किसी दूसरे की जीत से खुश हुआ हूँ। सर, इस रेस में जीतने के बाद मैं आपसे कुछ मांगने वाला था सर। मैं जानता हूँ, मेरी बेटी ने बताया तुमने मुझे बकरा बनाया, अब तुम्हें कौन रिजेक्ट कर सकता है। सर ये बात नहीं है सर, आप पुरानी बातों को भूलकर वापस आंटी के साथ जीवन बिताइए, यही मेरी और धनलक्ष्मी की इच्छा है सर। प्लीज सर, आपने प्रॉमिस किया था तो अब अपनी बातों से मुकर मत जाना, अगर आप और आंटी एक हो जाते हैं तो अपनी फैमिली पूरी हो जाएगी सर। हम लोग इतने बड़े हैं फिर भी हमें एक बच्चा सबक सिखा रहा है। मेरे लिए अभी रेस ट्रैक बहुत हो गया, अब सिर्फ तुम्हारा साथ चाहता हूँ। विल यू फॉरगिव मी।